जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा तीसरी में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा तीन में आज हम पाठ संख्या पाँच आओ खेले खेल के प्रश्न संख्या सात को समझेंगे, ठीक है। प्रश्न छः तक हमने अब तक के वीडियो में समझ लिए हैं, तो आज हम प्रश्न संख्या सात से आगे के प्रश्नों को समझेंगे। प्रश्न सातवां है हमारा कि कोड़ा है संभाल भाई, पीछे देखे मार खाई, कैसे खेला जाता है। तो बच्चों हमारा पाठ कौन सा है, खेलों से संबंधित पाठ है हमारा, है ना। तो इस पाठ में हमने बहुत से खेलों के बारे में जानकारी दी है, कौन कौन से, रस्सी कूदने की, सतोलिया खेलने की और कोड़ा है संभाल भाई, हत्ता ताली, ये सारे खेलों के बारे में आपको जानकारी दी थी। तो आज हमारा प्रश्न है सातवां कि कोड़ा है संभाल भाई, पीछे देखे मार खाई, कैसे खेला जाता है। तो उत्तर है कि इस खेल में सब लोग गोल घेरा बनाकर बैठ जाते हैं। क्या करते हैं, इस खेल में सब लोग गोल घेरा बनाकर बैठ जाते हैं। एक बच्चा कपड़े का कोड़ा लेकर घेरे से बाहर घूमता है। अब जो एक खिलाड़ी होता है या जो बच्चे खेल रहे हैं वो क्या करता है, एक बच्चा कपड़े का कोड़ा, रुमाल होता है या जो भी कपड़ा होता है उसका क्या करते हैं, कोड़ा बना लेते हैं। वो कोड़ा कहलाता है, रुमाल का जो भी टुकड़ा होता है, कपड़े का टुकड़ा कोड़ा कहलाता है। तो एक बच्चा कपड़े का कोड़ा लेकर घेरे के बाहर घूमता है, जो बच्चे घेरा घुमा के रखते हैं उसके बाहर वो बच्चा कोड़ा लेके घूमता है। और कोड़ा है संभाल भाई, पीछे देखे मार खाई बोलते हुए कोड़ा है संभाल कोड़ा लेके बाहर घूमता है और कोड़ा है संभाल भाई पीछे देखे मार खाई बोलते हुए चुपके से किसी एक के पीछे रख देता है। कोड़ा किसी एक के पीछे रख देता है, बच्चा गोल घेरा होता है उसके चारों तरफ कोड़ा लेके घूमता है और चुपके से किसी एक बच्चे के पीछे उस कोड़े को रख देता है। और वो घूमते घूमते वो बच्चा क्या बोलता रहता है कि कोड़ा है संभाल भाई पीछे देखे मार खाई। जिसके पीछे कोड़ा रखा गया है यदि उसे पता नहीं चल पाता है तो वह घूमने वाला खिलाड़ी वापस आकर हल्के हल्के उसे कोड़े की मारता है। अब क्या करता है, जो बच्चा घूम रहा है उसने जिस बच्चे के पीछे कोड़ा डाला है, अगर उस बच्चे को कोड़े के बारे में नहीं पता चलता है कि भाई मेरे पीछे कोड़ा गिर गया है या रख दिया गया है, तो वही बच्चा जो घूम रहा है बच्चा, वो बच्चा वापस आके उस कोड़े को उठा के जिस बच्चे के पीछे कोड़ा पड़ा है उस कोड़े को, उस बच्चे को धीरे धीरे हल्के हल्के से उस कोड़े से पीठ पे मारता है। फिर उस बच्चे को खड़ा होके आगे दौड़ना पड़ता है और वो बच्चा पीछे से धीरे धीरे से उसे कोड़े से मारता रहता है और जब तक वो बच्चा बैठ नहीं जाता तब तक वो उसे मारता रहता है, ठीक है। तो हल्के हल्के कोड़े की मारता है। अब वे घेरे के चारों तरफ दौड़ते हैं, कौन, दोनों बच्चे, जिसके पीछे कोड़ा गिरा था और जिसके हाथ में कोड़ा है, वो दोनों घेरे के चारों तरफ दौड़ते हैं। फिर कोड़े की मार खाने वाला अपनी जगह आकर बैठ जाता है। अब उसके बाद जब दोनों घेरे के चारों तरफ दौड़ते रहते हैं और फिर क्या होता है कि जो कोड़े की मार खा रहा होता है वो अपनी जगह आके बैठ जाता है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है और ऐसे ही आगे से आगे बच्चे एक से दूसरे के पीछे, दूसरे से तीसरे के पीछे, सब बच्चों के पीछे बारी बारी से कोड़े डाले जाते हैं और ऐसे ही बारी बारी से बोला जाता है कि कोड़ा है संभाल भाई, पीछे देखे मार खाई, बोल बोल के आगे का खेल जारी रखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या सात। अब है हमारा प्रश्न संख्या आठ। प्रश्न संख्या आठ में क्या है बच्चों, अवसद वाले प्रश्न हैं हमारे। अब तो प्रश्न संख्या आठ है कि रीना ने खेलने के लिए किसे आवाज़ लगाई। तो रीना ने खेलने के लिए किसे आवाज़ लगाई थी, इसमें अवसद है, अवसद, चार ऑप्शन है हमारे पास में। तो चार ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो हमें उत्तर में लिखना है। तो अ में है राकेश को, ब में है ममता को, स में है अंजू को और द में है सतीश को। तो रीना ने खेलने के लिए किसे आवाज़ लगाई थी, पाठ के शुरू में ही रीना ने खेलने के लिए जिस बच्चे को आवाज़ लगाई थी उस बच्चे का नाम क्या था, ममता। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ब में क्या आएगा, ममता, ठीक है। तो रीना ने खेलने के लिए किसे आवाज़ लगाई थी, तो उत्तर में हमें लिखना है बच्चों ब, ऑप्शन क्या राइट है हमारा, ब, ममता को। फिर है प्रश्न संख्या नौ, रीना खेलने के लिए क्या लेकर आई थी। अब रीना ने आवाज़ तो ममता को लगाई थी और रीना लेके क्या आई थी खेलने के लिए, तो अ में है रस्सी, ब में है सतोलिया, स में है रिंग और ल में है गेंद। तो
रीना खेलने के लिए क्या लेके आई थी? उत्तर है हमारा अ। उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारा? अ। अ में क्या राइट है? रस्सी। ठीक है, अ में अ ऑप्शन में क्या राइट हो जाएगा? रस्सी। तो ये हमारे अपशब्द वाले प्रश्न हो गए कि रीना खेलने के लिए किसे आवाज़ लगाई रीना ने? तो रीना ने खेलने के लिए ममता को आवाज़ लगाई। और रीना खेलने के लिए क्या लेके आई थी? तो रीना खेलने के लिए रस्सी लेके आई थी। ठीक है बच्चों।